भारत ने यूके के साथ होने वाले व्यापार वार्ता को रोक दिया है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने यूके की सरकार के सूत्रों के हवाले से इस बाबत जानकारी दी है। इस वार्ता को तब तक दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि यूके की सरकार की तरफ से भारतीय उच्चायोग पर हमले करने की सिख चरमपंथियों की आलोचना करने वाला बयान सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया जाता। मार्च में भारतीय उच्चायोग पर सिख चरमपंथी दाखिल हो गए थे। ये चरमपंथी दूतावास की पहली मंजिल तक पहुंच गए थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निकालकर फेंक दिया था। चरमपंथियों ने इसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। भारत इस घटना को लेकर यूके से काफी नाराज है। हालांकि भारत ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि सिख चरमपंथियों की वजह से ट्रेड वार्ता रोकने की जो खबरें ब्रिटिश मीडिया में आई थी वो पूरी तरह से आधारहीन है। यूके के गृह मंत्रालय की तरफ से वार्ता को पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में एक बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही यूके की सरकार सिख चरमपंथियों और खालिस्तान आंदोलन से जुड़े समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्रिटिश सरकार पिछले काफी समय से भारत के साथ इस ट्रेड डील को हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। यूके की सरकार भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है वहाँ ब्रिटिश सर्विसेज के लिए टैरिफ में कटौती चाहती है और यहाँ पर नए अफसरों को तलाशना भी चाहती है। वही भारत में पंजाब पुलिस सिख अलगावादी नेता अमृतपाल सिंह की तलाश कर रहे हैं। अमृतपाल अपने फॉलोअर्स से खालिस्तान आंदोलन को फिर से जिंदा करने के लिए अपील कर रहा है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।